हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो ये एक नया वीडियो क्यूबरनेटिस का फिर से मैं ले आया हूँ, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिप्लॉयमेंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्यूबरनेटिस का। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा, डिप्लॉयमेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा समझाने में, तो इसी कारण से मैं ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा। तो पहला पार्ट है ये मेरा, इसमें मैं आप लोग को डिप्लॉयमेंट का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, डिप्लॉयमेंट होता क्या है, डिप्लॉयमेंट का यूज क्या है, और उसके अलावा हम लोग कौन कौन से स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट में, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट लाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में पहले हम लोग डिप्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, डिप्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे क्यूबरनेटिस में, और डिप्लॉयमेंट अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि आप लोग रेप्लिका सेट के बारे में अच्छे से जान जाइए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट जो है रेप्लिका सेट बहुत रिलेटेड है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे प्ले करेगा, क्योंकि डिप्लॉयमेंट का यूज ही होता है किसके लिए, रेप्लिका सेट को मैनेज करने के लिए। डिप्लॉयमेंट का बेसिकली यूज, एक बेसिक सा यूज है डिप्लॉयमेंट का, ये कि ये रेप्लिका सेट को ही मैनेज करता है। अगर आपको रेप्लिका सेट के बारे में ही नहीं पता है, तो डिप्लॉयमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में। ठीक है, तो रेप्लिका सेट के बारे में, तो डिप्लॉयमेंट का आप लोग एक बात समझिए कि डिप्लॉयमेंट का बेसिक सा यूज क्या है, रेप्लिका सेट को मैनेज करने में। और भी सारे यूज है, हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, और रेप्लिका सेट का हम लोग यूज क्या जानते हैं, क्योंकि एक डिजायर्ड नंबर ऑफ स्टेट, मतलब एक पॉड को मैनेज करता है, और एक डिजायर्ड नंबर ऑफ पॉड को हमेशा अप रखता है। ये ऐसा समझिए, रेप्लिकास को अप रखता है, मतलब मान लीजिए आपने 5 रेप्लिकास दिया, तो 5 रेप्लिकास को क्या करेगा, हमेशा अप रखेगा। और डिप्लॉयमेंट यहाँ पे क्या करेगा, ये डिप्लॉयमेंट ये मैनेज करेगा रेप्लिका सेट को, और रेप्लिका सेट को मैनेज करेगा पॉड को। इसीलिए आप लोग ने कहीं कहीं देखा होगा कि, या सुना होगा अगर आप लोग क्यूबरनेटिस के बारे में थोड़ा सा फैमिलियर होंगे, तो कि जो हम लोग बेसिक सा पॉड है, पॉड को हम लोग डायरेक्टली लॉन्च करते नहीं है। ठीक है, और जब हम रेप्लिका सेट पढ़े थे, तो वहां पे मैंने बताया था हम लोग पॉड को रेप्लिका सेट की मदद से लॉन्च करते हैं। पर अब हम लोग जब डिप्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, मैं आप लोग को एक बात और बताता हूँ कि हम लोग पॉड को ना डायरेक्टली रेप्लिका सेट की मदद से लॉन्च नहीं करते हैं, हम लोग जो पॉड को किसकी मदद से लॉन्च करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉयमेंट। जब आप पॉड को डिप्लॉयमेंट की मदद से हेल्प कीजिएगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट को लॉन्च करेगा। ठीक है, डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, रेप्लिका सेट को लॉन्च करेगा, और रेप्लिका सेट जब लॉन्च हो जाएगा, तो उसके बाद ये पॉड अपने आप लॉन्च कर देगा ये रेप्लिका सेट, क्योंकि रेप्लिका सेट का काम ही है पॉड को मैनेज करना। तो बेसिक सा ये हायरार्की यूज होता है, क्या होता है, सबसे पहले डिप्लॉयमेंट लॉन्च, आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, जो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, तो डिप्लॉयमेंट सबसे पहले रेप्लिका सेट क्रिएट करता है, और रेप्लिका सेट जैसे क्रिएट होता है, तो उसका काम ही है पॉड को अप रखना। तो जैसे रेप्लिका सेट क्रिएट हुआ, वो पॉड को अप कर दिया। तो ये बेसिक सा हायरार्की होता है हमारे क्यूबरनेटिस में, एक पॉड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट का ये यूज भी आप लोग समझ चुके होंगे कि वो मैनेज करता है रेप्लिका सेट को, पर और भी डिप्लॉयमेंट के बहुत सारे यूज है, और इसी सब कारण से मैं इसको इंपॉर्टेंट रिसोर्स बता रहा हूं। रोलिंग अपडेट एंड रोल बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा यूज केस है डिप्लॉयमेंट का, रोलिंग अपडेट और रोल बैक। बेसिकली मैं अगर आप लोग को एक बात बताता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपका अभी कोई एप्लीकेशन है, आप मान लीजिए फेसबुक आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक आप फेसबुक के क्रिएटर है, और जब फेसबुक का आप सबसे पहले लॉन्च किए, मान लीजिए version 1, तो ये मार्केट में आप version 1 फेसबुक का ले आए, ठीक है, और ये अभी प्रॉड में, प्रॉड सर्वर में डिप्लॉय है ये आपका अभी फेसबुक, ठीक है, फेसबुक अभी प्रॉड सर्वर में डिप्लॉयड है। पर आप कुछ दिन बाद आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, जब कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, एक नया वर्जन फेसबुक का ला सकते हैं, इसको नाम दे दिए V2, तब उसके बाद ये नया वर्जन ले आइएगा, इसको प्रॉड सर्वर में आपको डालना है, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मदद करेगा। जो डिप्लॉयमेंट का काम क्या होता है, देखिए इसको आप पढ़िएगा अभी, तो डिप्लॉयमेंट इनेबल यू टू अपडेट योर एप्लीकेशन कंटेनर व्हाइल इंश्योरिंग 0 डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अभी आपका यहाँ पे पुराना सर्वर है, अभी मान लीजिए आपका पुराना वेबसाइट है, अभी यहाँ पे प्रॉड में पुराना वेबसाइट, जब आप नया वेबसाइट इसमें डालिएगा, तो उस केस में आप मान लीजिए आपका यहाँ पे 1000 पॉड रन कर रहा है, ठीक है, तो जब आप पूरा नया वेबसाइट इसमें डालिएगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डिप्लॉयमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तब का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, ये 1000 पॉड को पहले टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप रेप्लिका सेट की मदद से आप लॉन्च कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, रेप्लिका सेट को टर्मिनेट कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करिएगा, नया वर्जन, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, नया वर्जन को मार्केट में ले आइएगा, और ये जो नया वर्जन कैसे लगेगा, मान लीजिए आप कोई नया इमेज क्रिएट कर दिए, ठीक है, नया इमेज आप क्रिएट कर दिए, और उसके बाद ये इमेज को फिर से आप रेप्लिका सेट की मदद से लॉन्च कर दीजिएगा, तो ये नया वर्जन मार्केट में आ जाएगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, जब तक जब आप पॉड टर्मिनेट कर दीजिएगा, और जब आपका कोई क्लाइंट उस समय आपके वेबसाइट को हिट करेगा, तो उस समय उसको सर्वर मिलेगा ही नहीं,
सर्वर मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका आपका पॉड है ही नहीं आपका प्रॉड इन्वायरमेंट में, क्योंकि आपने सारा पॉड को टर्मिनेट कर दिया है। और जब तक आप नया पॉड को मार्केट में लाइएगा, तब तक नया मतलब नया पॉड लॉन्च कीजिएगा, चाहे आप रेप्लिका सेट की मदद से लॉन्च कीजिए, एक क्लिक में लॉन्च हो जाता है, तुरंत लॉन्च हो जाता है, भले ही वो सही बात है, पर यहाँ पे कुछ समय के लिए डाउन टाइम होगा, मतलब आपका सर्वर अनरीचेबल होगा, अनएक्सेसेबल होगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, भले मान लीजिए 1 सेकंड के लिए हो, 2 सेकंड के लिए हो, पर कुछ टाइम के लिए तो जरूर होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या करता है, बहुत सारे स्ट्रेटजी होता है डिप्लॉयमेंट पे, हम लोग आगे जानेंगे, पर बेसिकली अभी आप समझिए जो जीरो डाउन टाइम का प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो सॉल्व कर देगा पूरी तरह डिप्लॉयमेंट। और यहाँ पे आपका जो क्लाइंट रहेगा उसको कभी भी डाउन टाइम नहीं मिलेगा, मतलब जब आप नया पॉड को लॉन्च कीजिएगा उस समय भी क्या होगा, वो पॉड एक्सेसिबल होगा, कैसे होगा हम लोग आगे जानेंगे, पर यहाँ पे जीरो डाउन टाइम है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर डिप्लॉयमेंट करेगा, जो ये आपका जो डाउन टाइम को इनेबल मतलब हटा देगा पूरा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप समझ भी, ये कुछ लाइन यहाँ पे आप अभी इसको अगर समझ नहीं रहे होंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मैं जब स्ट्रेटजी बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब रोल बैक, मान लीजिए आपने नया वर्जन मार्केट में लाया और वो वर्जन आपके उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये वर्जन ऐसे काम करे, जब कुछ कुछ फीचर सही से काम नहीं कर रहा है आपके, मतलब आप जैसा चाह रहे थे वैसा काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, डिप्लॉयमेंट हेल्प करेगा रोल बैक में, मतलब जो वर्जन आपका पुराना वर्जन था, जो नया वर्जन जो है उसको क्या करेगा, जो पिछला वर्जन सही से काम कर रहा था उस वर्जन के साथ अपडेट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी मार्केट में आपका नया वर्जन लेटेस्ट वर्जन V2 है, ठीक है, ये वर्जन सही से काम नहीं कर रहा है, तो डिप्लॉयमेंट यहाँ पे क्या करेगा, ये वर्जन को रिवर्ट कर देगा और जो प्रीवियस वर्जन हमारा मार्केट में सही से काम कर रहा था V1, उसको फिर से प्रॉड में ले आएगा। ये सब जिसमें भी डिप्लॉयमेंट मदद करता है, टूलिंग अपडेट और रोल बैक, ठीक है। अब हम लोग चलिए डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं, मतलब स्ट्रेटजी मतलब क्या हुआ, कैसे डिप्लॉयमेंट हेल्प करता है आपके मतलब ये वर्जन को अपडेट करने में, जो नया वर्जन है उसको मार्केट में लाने में, और पुराना वर्जन को, या अगर नया वर्जन सही से काम नहीं कर रहा तो रोल बैक करने में आपका ये पुराना नया वर्जन को। तो ये सब कैसे, कौन कौन से स्ट्रेटजी होते हैं डिप्लॉयमेंट में, चलिए स्ट्रेटजी के बारे में बात करें। तो बेसिकली डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी हमारे 4 तरह के होते हैं, ठीक है, रिक्रिएट, रैम्प्ड या रोलिंग अपडेट भी बोल सकते हैं उसको, ब्लू ग्रीन और कैनरी, 4 तरह के बेसिकली डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी होते हैं। क्या होते हैं चलिए वो जानते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया रिक्रिएट, ये पहला डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है और ये एक तरह से पुराना टेक्निक भी है, मतलब ओल्डर टेक्निक है, और ये एक तरह से मुझे नॉर्मल तरीका जैसा होता है वैसा ही है। इसमें क्या होता है, जो पहले पुराना पॉट सारा जो रन कर रहा है आपका प्रोडक्शन में, सारा पॉट डिलीट हो जाएगा, जो कि जो जितना ही पॉड रन करवाओगे आपके ओल्डर वर्जन से, सारा पॉड डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद नया जो वर्जन आएगा, नया जो पॉड आएगा उसमें नया वर्जन इमेज का आएगा, ठीक है। तो इस केस में भी डाउन टाइम तो होगा ही, क्योंकि इसमें सारा पॉड आपका पहले डिलीट हो रहा है तब नया लॉन्च हो रहा है, तो ये ठीक है। तो ये मेरा पहला टाइप था रिक्रिएट। अब मैं दूसरे के बारे में बताऊं तो दूसरा है मेरा रोलिंग अपग्रेड या रैम्प्ड, ठीक है, इसको रैम्प्ड भी बोलते हैं रोलिंग अपग्रेड को। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो आपका पुराना पॉड रहता है वो कुछ कुछ करके डिलीट होता है और कुछ कुछ नया पॉड लॉन्च होता है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपकी आप मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 5 पॉड रन कर रहा है, ठीक है, 5 पॉड आपका यहाँ पे रन कर रहा है। तो जब आप रैम्प या रोलिंग अपग्रेड स्ट्रेटजी यूज कीजिएगा तो इसमें क्या होता है, पहले मान लीजिए इसमें क्या होता है, एक एक करके पॉड डिलीट होता है, या आप इसमें नंबर ऑफ पॉड डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डिफाइन कर दिया 25% पॉड एक साथ डिलीट हो जाए, ठीक है, मान लीजिए आपने एक साथ डिफाइन कर दिया 25% पॉड डिलीट हो जाए, तो इसमें क्या होगा, एक साथ पहले 25% पॉड हटेगा और उस 25% के बदले नया 25% पॉड आ जाएगा, उसी तरह फिर अगले बार में फिर 25% पॉड हटेगा, फिर नया 25% पॉड आ जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि पुराना पॉड एक ही साथ डिलीट हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ करके डिलीट हो रहा है, कुछ कुछ करके नया लॉन्च हो रहा है। तो ये पॉसिबल है कि कुछ क्लाइंट नया इस पॉड को एक्सेस करे, नया वर्जन वेबसाइट का नया वर्जन को एक्सेस करे, और कुछ क्लाइंट आपका पुराना वर्जन को एक्सेस करे, पर ये चल सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ समय के लिए अगर आपका पुराना वर्जन एक्सेस कर लिया था कोई प्रॉब्लम है, चलिए कुछ समय बाद ही वो नया वर्जन एक्सेस कर सकेगा, फेसबुक के केस में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ पॉड डिलीट हो रहा है, कुछ पॉड आ रहा है, तो एक साथ सारा डिलीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डाउन टाइम 0 नहीं है, मतलब डाउन टाइम 1 भी सेकंड का नहीं होगा, यहाँ 1 मिली सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि कुछ हर समय कुछ कोई ना कोई पॉड रहेगा, चाहे वो पुराना रहे चाहे नया रहे, पर हमेशा हर समय वहाँ पे पॉड अप रहेगा, ठीक है। तो यही आपका रोलिंग अपग्रेड और रैम्प, और ये कितना पॉड डिलीट होगा और कितना पॉड लॉन्च होगा ये आप डिफाइन कर सकते हैं, जब मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा तो वहां पे डिफाइन कर सकते हैं आप कि 25% पॉड डिलीट हो या 30% पॉड डिलीट हो,
आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ये नंबर, ठीक है, वो हम लोग कैसे करेंगे हम लोग जानेंगे। तो रोलिंग अपग्रेड और रैंप यही है, ठीक है। अब मैं तीसरा टाइप की बात करूं तो तीसरा है ब्लू ग्रीन। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक नया इन्वायरमेंट ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये मेरा पुराना इन्वायरमेंट है, यहाँ पे 5 पॉड रन कर रहा है, ठीक है, 5 पॉड रन कर रहा है। और उस आप जब ब्लू ग्रीन आप स्ट्रेटजी यूज कीजिएगा तो वहां पे क्या होगा, इस इन्वायरमेंट में कोई छेड़छाड़ी नहीं होगा और नया इन्वायरमेंट ही लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और नया इन्वायरमेंट में पहले 5 पॉड आ जाएगा और फिर क्या होगा, जो क्लाइंट यहाँ पे आ रहा था, जो क्लाइंट पहले यहाँ पे आ रहा था, जब नया इन्वायरमेंट पूरी तरह रेडी हो चुका है तब ये वाला इन्वायरमेंट हट जाएगा और क्लाइंट को यहाँ पे स्विच कर दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डाउन टाइम का बात करूं तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुछ देर के लिए डाउन टाइम हो सकता है ये ओल्ड इन्वायरमेंट को रिप्लेस करके नया इन्वायरमेंट में स्विच करने के क्रम में कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे डाउन टाइम हो सकता है आपके ब्लू ग्रीन स्ट्रेटजी जब आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा स्ट्रेटजी था आपका डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। और ये सब जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये दोनों केस में अप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नया वर्जन को मतलब मार्केट में लाते हैं, रोल आउट करते हैं नया वर्जन को, या आप रोल बैक करते हैं पुराने वर्जन को, मतलब में आप शिफ्ट करते हैं, उस समय भी ये सब स्ट्रेटजी होता है। और जब नए वर्जन में रोल आउट करते हैं उस समय भी ये सब स्ट्रेटजी होता है। तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि आप ये सब स्ट्रेटजी कहाँ लगेगा, रोल आउट के केस में लगेगा या रोल इन मतलब रोल बैक के केस में लगेगा, ठीक है। ये आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये दोनों के केस में, ये दोनों के केस में लगेगा, सेम स्ट्रेटजी होता है दोनों के केस में। ये नहीं कि रोल बैक के केस में नया स्ट्रेटजी आ जाएगा और रोल आउट के केस में नया स्ट्रेटजी रहेगा, ये बेसिकली सेम ही रहता है, ठीक है। अब हाँ, एक चौथा टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको ब्लू ग्रीन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे डाउन टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कंपलसरी, मतलब डाउन टाइम होगा ही होगा, जैसे रिक्रिएट के केस में डाउन टाइम फिक्स है, होना ही होना है। तो ब्लू ग्रीन के केस में इसका काम रहता है डाउन टाइम को पूरी तरह मिनिमल करना, तो हो सके कभी कभार डाउन टाइम नहीं मिले और कभी कभार कुछ मिल जाए, तो ब्लू ग्रीन के केस में यह होता है, ठीक है। अब चौथा टाइप होता है कैनरी। कैनरी में बेसिकली क्या होता है, पहले जब इसमें नया वर्जन, जब मार्केट में नया वर्जन आता है तो इसमें कुछ यूजर को नया वर्जन में शिफ्ट किया जाता है, कुछ यूजर को, सबसेट ऑफ यूजर को नया वर्जन में शिफ्ट किया जाता है। और वहां पे मॉनिटर पहले किया जाता है कि नया वर्जन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर नया वर्जन सही से काम कर रहा होता है तब ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैफिक, मतलब फिर धीरे धीरे करके आपके ट्रैफिक, मतलब जो यूजर के ट्रैफिक होते हैं उसको ओल्ड वर्जन से शिफ्ट करके नया वर्जन में, मतलब शिफ्ट किया जाता है ओल्ड वर्जन से हटाकर नया वर्जन में, और फिर धीरे धीरे करके पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली यही था चार तरह का स्ट्रेटजी जो दोनों केस में यूज हो रहा था। कैनरी भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले स्मॉल सबसेट ऑफ ग्रुप को नया वाला पॉड मिल रहा था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अगर वो सही से काम कर रहा था आपका नया वर्जन, तो उस केस में धीरे धीरे करके आपका फिर पुराना वर्जन, सॉरी ओल्ड, मतलब जो यूजर है नया पुराना पॉड को डिलीट करके नया वाला वर्जन में शिफ्ट किया जा रहा था। तो ये हो रहा था कैनरी। तो यही था स्ट्रेटजी, और डिप्लॉयमेंट भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा, यूज भी उसका समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बताऊंगा डिप्लॉयमेंट का। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।